हेलो एवरीवन आज का हमारा क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस इज ट्रायल बैलेंस क्या है हमारे पास फोर ऑप्शंस गिवन है आर एन अकाउंट अ स्टेटमेंट अ बुक और अ प्रिंसिपल बुक हमें ये बताना है कि ट्रायल बैलेंस क्या है तो बच्चे अगर हम बात करें ट्रायल बैलेंस की तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है तो सबसे पहले हम बनाते हैं जनरल यानी सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है फिर हम सभी अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं यानी ग्रुपिंग करते हैं और ग्रुपिंग किसमें होती है लेजर में सबसे पहले जनरल बनाया जाता है उसके बाद लेजर प्रिपेयर किया जाता है और लेजर में हम क्या करते हैं सभी अकाउंट्स बैलेंसिंग करते हैं मतलब सभी अकाउंट्स के बैलेंस फाइंड आउट करते हैं फिर उन बैलेंसेस को एक पेज पे नोट डाउन करते हैं एक पेज पे लिखते हैं और उस पेज को हम क्या बोलते हैं ट्रायल बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस पे सभी अकाउंट के बैलेंसेस लिखे होते हैं ओके सो नाउ द क्वेश्चन इज कि ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट है या स्टेटमेंट है सो so, ट्रायल बैलेंस में सभी लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस लिखे जाते हैं तो ये एक अकाउंट तो नहीं है ये क्या है एक स्टेटमेंट है ट्रायल बैलेंस क्या है स्टेटमेंट है ट्रायल बैलेंस वो स्टेटमेंट है जिसपे लेजर अकाउंट के सभी बैलेंसेस गिवन होते हैं लिखे होते हैं सारे डेबिट भी और क्रेडिट भी सो so, अब हमारे पास ऑप्शन है ट्रायल बैलेंस इज अकाउंट द आंसर इज नो अब स्टेटमेंट ये सब्सिडरी बुक नो इट्स अ बुक ऑफ़ ओरिजिनल एंट्री ओके जब हम जनरल करते हैं हम सब्सिडरी बुक प्रिपेयर करते हैं अ प्रिंसिपल प्रिंसिपल बुक, बुक कौन सी होती है? कैश बुक सो द आंसर इज अ स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर क्या हो गया अब इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आंसर इज ऑप्शन नंबर टू दैट इज a statement it is a statement which show balances of all the accounts okay thank you